पांचवा रोज़ा और हम हैं उस्कुदार में, तो पांचवे रोज़े की इफ्तार हम करेंगे उस्कुदार में। तो हमने सोचा क्यों ना आपको उस्कुदार घुमाया जाए, दिखाया जाए कि उस्कुदार के नज़ारे कैसे हैं। क्योंकि बेसिकली ऐसा है कि उस्कुदार जो है वो एशियन इस्तांबुल का हर्ट है। आप अगर किताबों के शौकीन हैं तो मेरे पीछे पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ पर आप किताब इशू करा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अगर आपको परचेज करनी है तो आप खरीद सकते हैं। अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो उस्कुदार आपके लिए बेस्ट पैलेस है, स्पेशली ओकियानोस रेस्टोरेंट। मैं अक्सर जो नान है सिर्फ यहाँ से खरीदता हूँ, क्योंकि यहाँ के नान बहुत सॉफ्ट और लजीज होते हैं, तो उस्कुदार में नान भी आप ले सकते हैं। टर्किश डिलाइट पूरी दुनिया में फेमस है और उसमें भी हफ्तीदार है रफीक मुस्तफ़ा। तो अगर आप उस्कुदार में और टर्किश डिलाइट के शौकीन हैं तो ये आपके लिए बेस्ट पैलेस है। उस्कुदार की एक खास बात ये है कि अपने अंदर खूबसूरती के साथ साथ एक रिलीजियस कल्चर भी लिए हुए हैं, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 500 स्क्वायर यार्ड्स के भीतर भीतर उस्कुदार में 5 से ज़्यादा 6 खूबसूरत मसाजिद और तारीखी मसाजिद आपको मिलेगी। मैं एक शहर आ पर हूँ, मेरे दोनों तरफ रोड चल रहे हैं और पीछे हमारे सलमान आ जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं 1506 में ये मस्जिद तामीर हुई थी, तकरीबन आज से 515 साल पहले। तो इस मस्जिद की कदामत का आप अंदाज़ा लगाएं, और एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद है। एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, मस्जिद कितनी भी छोटी हो बट वुमेंस के लिए सेपरेट जगह होती है कि वो आएँ और नमाज पढ़ें। अब चलिए हम मस्जिद में चलते हैं। तो असर की नमाज़ भी हमने पढ़ ली है, अब वक्त बाकी है, 1 से 1.5 घंटा रहता है, और एक दो जगह आपको और विज़िट करा। अरे पीछे रमज़ान का इफ्तारी का सेटअप तैयार है और हम भी तैयार हैं लाइन में लगने के लिए। ये देखें ये किस कदर लंबी कतार है उस तरफ, वहाँ पर लोगों की, तो इफ्तारी का नज़म है आज। तो हमारा खैर दावत हमारी कहीं और है। जामे जो ऑटोमन एम्पायर के मशहूर आर्किटेक्ट मीमार सिनान ने 1540 से 48 के बीच में बनाई, और इसके पीछे का एक मशहूर किस्सा भी है कि मीमार सिनान ने जो सुलेमान मैग्निफिसेंट थे उनकी बेटी मेहरिमान सुल्तान के लिए बनाई थी, और एक मस्जिद और एट द टाइम एद्रिन काफी में बनाई थी। और दोनों मस्जिदों की खूबसूरती ये है कि जब एक तरफ सूरज गुरूब होता है दूसरी तरफ चांद तुलू होता है। ऑटोमन एम्पायर की मस्जिद की ख़ास बात यह है कि ये सारी की सारी देखने में एक ही नज़र आती है। इनका जो आर्किटेक्ट डिज़ाइन है वो गुंबद नुमा है, और गुंबदों में इसकी छत होती है, तो इस तरह से ये इसकी खूबसूरती मज़ीद दोबारा हो जाती है। वाइब्स चेक करें हसन भाई, वाइब्स। एक तरफ मस्जिद, पीछे लाइब्रेरी, और सामने ये खूबसूरत फॉस्फोरस के नज़ारे। तो अभी मेरा वीडियो में आना लाजमी है। अभी इफ्तार में 1 घंटा और मस्जिदों से हम हो गए हैं फारिग। एक मस्जिद अभी बाकी रहती है, मतलब बाकी काफ़ी मस्जिद रहती हैं, मगर एक मस्जिद वालिद अतीक जो काफ़ी पुरानी है, 1710 में वो तामीर हुई थी, तो हमने पढ़नी है वहाँ तरावी। तरावी के वक्त हम आपको दिखाएंगे। तो इससे पहले कि हमें कोई उड़ा कर जाए हम रोड क्रॉस कर जाते हैं। क्या भागो। अच्छा, इफ्तार से पहले उस्कुदार की गलियों का माहौल क्या है वो माहौल हम आपको दिखाते हैं। ये सामने रेस्टोरेंट है और लोग बैठना शुरू हो गए हैं इस तरीके से, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आगे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। तो
कुर्सियां लग चुकी हैं, लोगों का आना शुरू हो चुका है और अब से आधे घंटे की बाद, आधे घंटे के फासले के बाद यहाँ पर इफ्तार होगी और हमने भी इस रेस्टोरेंट में करनी है इफ्तार। तो पहले मस्जिद, उसके बाद यहाँ आएंगे। तो अभी माहौल थोड़ा सा ठंडा है और आधे घंटे के बाद माहौल गर्म हो जाएगा। इफ्तार में आखिरी 10 मिनट बाकी हैं और पीछे मस्जिद में हमने करनी नमाज अदा और दूसरे हमारे दोस्त वही पहुंच चुके हैं। वालिद सुल्तान जामे उस तरफ है, उसमें हमने करनी है तरावीह। तो पहले चलते हैं मस्जिद में, वहां पर खजूर और पानी के साथ इफ्तार होगी, देन इफ्तार के लिए यानी खाने के लिए जाएंगे रेस्टोरेंट। तो इफ्तार हो गई है जी, अभी अभी हम निकले हैं मस्जिद से नमाज़ पढ़कर और अब जा रहे हैं सीधा रेस्टोरेंट की तरफ। तो टर्किश फूड क्या है, टर्किश कल्चर क्या है, किस तरीके से इफ्तार होती है वो देखते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। स्टार्टर यहाँ पर आ चुका है, ये है सूप, मर्जी में एक सूप यानी जो चने होते हैं उसका सूप है और इधर ये सलाद है, मुख्तलिफ चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं और इधर आइए खजूर। हादी बिस्मिल्लाह। पहला सेकंड टाइम मैं इनका टेस्ट कर रहा हूँ और हकीकत में ये कि इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब है, सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक टेस्ट की हैं बहुत शानदार हैं। तो हसन साहब कैसा लगा आपको शोरबा सूप? लजीज। ऐसा आप तक आपने अभी तक खाया है? टर्की में 1.5 साल हो गया आपको? ऐसा शोरबा आज तक नहीं खाया था वैसे भाई, बहुत ही लजीज है। आप ये तो आप ये तो अब आया है ये हसन भाई के लिए उस्मानली शरबत, इसका अपना ही मज़ा है, ऐसा लगता है कि जैसे 100 साल पुराना कोई शरबत पी रहा है। हसन भाई टेस्ट किया आपने? जल्दी से करें बताएं। टेस्ट करने तो पहले टर्किश उसलूब से कैसा लग रहा आपको ये कोफ्ते? काफ़ी अच्छे हैं, क्रिस्पी भी हैं, जूसी भी हैं। वो है यहाँ का जो मैथी में शोरबा था वो बहुत अच्छा था, बहुत ही लजीज था। कोफ्ते तो हमने पहले भी इस तरह के खाए हैं काफ़ी। ऑर्डर हमारा दूसरा था मगर अनफॉर्चुनेटली पब्लिक ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने कहा कि वेट करना पड़ेगा, तो हमने डिसाइड किया कि फिर चलो जो आ रहा है उसी में खा लेते हैं क्योंकि रमज़ान का महीना है, तरावी पढ़नी है, वक्त कम है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अच्छा टेस्ट है। अभी अभी हम आए हैं, इफ्तार से फारिग हो गए हैं और अभी यहाँ पर चल रही है एक मीटिंग और साथ में हमारे भाई हैं वो जामिर सिसिन दानिश ट्रेवल में सुनिजी मैं अब्दुल्लाह करता और मैं मॉर्मर यूनिवर्सिटी से लाइन प्रैक्टिस नो बेस कार्डेशन में बराबर इफ्तार में बराबर आज तक हम बराबर उसमें चाय इचियोरस सेविलरी में तेशुकर। तो जैसा मैंने कहा था कि इफ्तार के बाद रौनक बढ़ने लगेगी, अब वैसे ही है कि देखें अब ये पूरी गली जो है जगमगा रही है और लोगों का आना शुरू हो चुका है, इफ्तार कर रहे हैं, उसके अलावा चाय कॉफ़ी इस तरीके से है। तो अभी तरावी का वक्त हो गया है, हम जा रहे हैं तरावी पढ़ने। तरावी हो गई हैं, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और एक वितर मैंने पढ़नी है सुबह में, तो इसलिए इंशाल्लाह वितर पढ़ेंगे हम तहज्जुद में और अभी वापसी जा रही है।